हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि थोड़ा व्यू बुलिश है और 23,500 के टारगेट होंगे और निफ्टी के लिए 11,350 के. करेक्ट. आज का मूवमेंट अगर आप देखो तो निफ्टी ने कल का हाई क्रॉस किया है, बट बैंक निफ्टी ने कल का हाई क्रॉस नहीं किया है. और लास्ट दो दिन से अगर आप देखो 23,150 ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी फ्रॉम लास्ट टू डेज. ठीक है. अब कल भी अगर 23,150 क्रॉस नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम, देन यहां से मुझे लगता है करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है. कुछ बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन 500-600 पॉइंट का एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक फास्ट रनअप हुआ है यहाँ से. ये जो रैली या स्टार्ट हुआ था 21,200 से, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ से 500-700 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है अगर 23,150 कल के दिन में भी बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता. तो अभी थोड़ा सा व्यू जो है वो कॉशियस हो गया है, क्योंकि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे 23,500 जा सकता है, लेकिन 23,150 भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है. इट मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए अगर आपकी लॉन्ग पोजिशन है तो. और अगर 23,150 क्रॉस नहीं करता है तो डेफिनेटली उसके स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो. निफ्टी मुझे यहाँ से शॉर्ट की तरफ ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं लगता जितना बैंक निफ्टी लगता है, क्योंकि अगर निफ्टी अगर 200 पॉइंट नीचे आता तो बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है. सो अगर आप मुझसे पूछो कि शॉर्ट ट्रेड किस में लेना चाहिए, तो आई प्रेफर बैंक निफ्टी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,150 अबव. दोनों में चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो कल के मूवमेंट में पता चलेगा कि फॉलो थ्रू बाइंग आता है या फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिलता है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एशियन पेंट दिया था, इसमें ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है. LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था, इसमें भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है. जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे सेल के, वो ट्रिगर नहीं हुए. जी एंटरटेनमेंट में मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकता है. इसमें काफी अच्छा पैसा बनाया आज, मैंने भी इसमें 36,000 के आसपास बनाया है. आई एम श्योर आप लोगों ने भी डेफिनेटली काफी अच्छा पैसा बनाया होगा. आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यस वी हैव मेड सम प्रॉफिट. एंड आपने एक बात नोट डाउन किया होगा, मैं आपको जो भी लेवल्स दे रहा हूँ, जो भी ट्रेड्स दे रहा हूँ, या तो मेरे ट्रेड्स ट्रिगर ही नहीं होते, और या ट्रिगर होते हैं तो उसमें प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है. तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो, जल्दी ट्रेड मत करो. अब एजम्पशंस करके ट्रेड मत लो, जो मैंने आपको लेवल्स दिए उसके हिसाब से ट्रेड लेना है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन में, कौन से स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान देना है. सबसे पहला स्टॉक होगा जिंदाल स्टील. जिंदाल स्टील अगर आप देखो स्ट्रक्चर बहुत वीक लग रहा है, और मुझे लगता है 180 के आसपास एक बार शॉर्ट टर्म टॉप बना चुका है. अब मुझे लगता है यहाँ से एक ये बड़ा फॉल था, करेक्ट, ये एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बनाया है. अब डेफिनेटली ये अगर लो टूटता है तो 4-5 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है. तो जिंदाल स्टील काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. नेक्स्ट स्टॉक होगा HUL. HUL भी मुझे स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है. आप देख सकते हो 2,300 से जो गिरा है, कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है, और राउंड ऑफ नंबर के पास में 2,200 आप देख सकते हो. अगर 2,200 भी टूटता है तो एक 40-50 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है. तो HUL भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. एंड लास्ट स्टॉक होगा रामको सीमेंट. रामको सीमेंट अगर आप देखो 700 राउंड ऑफ नंबर के पास में है. यहाँ पर एक गैप फिल होना बाकी है, आप देख सकते हो. मुझे लगता है ये स्टॉक एक गैप फिल करने आ सकता है, तो यहाँ से 10-15 रुपए का अपलू हमें देखने को मिल सकता है. तो रामको सीमेंट काफी अच्छा बाय रहेगा. कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. आज के लिए वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.